बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज अबाउट बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। एंड आई एम वेरी थैंकफुल असलान फॉर रिक्वेस्टिंग मी टू प्रिपेयर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स लर्न द थ्योरी। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड और ये बहुत ज्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स रिसर्चेस। 1940s ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन बिहेवियरल साइड ऑफ लीडरशिप। यहां बिहेवियरल साइड ऑफ लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मैं आपको बताता चलूं कि बिहेवियरल थ्योरी से पहले ट्रेड थ्योरी आई थी, और अगर आप ट्रेड थ्योरी के टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, ट्रेट थ्योरी कहती थी कि अगर किसी के पास पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो वही लीडर बन सकता है, और उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो इनबॉर्न है, यानी कि एक इंसान पैदाशी तौर पर उसके अंदर कुछ ऐसे खूबियां कुछ खसूसियात होती हैं जो उसको लीडर बनाती हैं, और अगर किसी में वो ट्रेट्स नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता। इसी बात को ओहियो स्टडी के जरिए चैलेंज किया गया, और इसी तरह से बिहेवियरल डायमेंशन ऑफ लीडरशिप का नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। इसकी एक और एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो हम अपना एक खास तरह का एक रिस्पेक्टेबल बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं उस वक्त, और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी आपने किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना है तो आपको एक बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है वहां पर। मजीद देखते हैं, आइडेंटिफाइड इंडिपेंडेंट डायमेंशन ऑफ लीडर्स बिहेवियर एट द टाइम लाइक हिटलर, कायदे आजम एटसेट्रा, एंड फाउंड 1000 डायमेंशन ऑफ लीडरशिप एंड नैरो डाउन इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज। ओहियो स्टडी के दौरान दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स के बिहेवियर को देखा गया, फॉर एग्जाम्पल जिसमें उस वक्त हिटलर थे, कायदे आजम थे, इंडिया में अगर बात करें तो गांधी थे, इन सब लीडर्स के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी किया गया, और आफ्टर स्टडिंग द बिहेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड टॉप लीडर्स ऑलमोस्ट 1000 डायमेंशंस बनाई गई ऑफ लीडरशिप, और फिर उनको नैरो डाउन करके दो कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। वन इज कॉल्ड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज कॉल्ड कंसिडरेशन। आइए हम वन बाय वन लर्न करते हैं इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या चीज है और कंसिडरेशन क्या है। फर्स्ट इज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज लाइकली टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चर हिज और हर रोल एंड दोज ऑफ इंप्लाइज इन द सर्च ऑफ गोल अटेनमेंट। थोड़ी सी बात टेक्निकल लग रही है ना, नो वरीज, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले लीडर अपना रोल डिफाइन करता है, वो बताता है कि उसने क्या करना है, उसका रोल क्या होगा, फिर साइमल्टेनियसली वो साथ साथ अपने फॉलोअर का रोल भी डिफाइन करता है। मींस इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर से मुराद क्या हुई कि लीडर जो है वो बताता है कि उसकी रोल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ना सिर्फ वो अपना रोल बता रहा है बल्कि वो अपने फॉलोअर्स का भी रोल बता रहा है कि वो लोग क्या करेंगे, उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। आपको बताया कि एक फॉलोअर जो है वो लीडर की तरफ देखता है, फॉलोअर को नहीं पता उसने क्या करना है, जो लीडर उसको बताएगा वही फॉलोअर करेगा। अगर लीडर सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है तो फॉलोअर भी सही डायरेक्शन में जाएगा, अगर लीडर ही गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है तो फॉलोअर भी गलत काम ही करेगा। ओके जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इट इंक्लूड्स द बिहेवियर दैट अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज वर्क रिलेशनशिप एंड गोल्स। अब देखिए कि मजीद इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक लीडर जो है वो बताता है कि आपका काम क्या है, काम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। मींस ऑर्गेनाइज करने से मुराद क्या है, मींस कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है और कौन सा स्टेप आखिर में करना है। और जहां तक बात है वर्क रिलेशनशिप की तो इसका मतलब है कि लोग लीडर के साथ काम कर रहे हैं और
उनका रवैया लीडर के साथ कैसा है और लीडर का रवैया उनके साथ कैसा है, और जो वर्कर्स आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है। मींस पहले स्टेप में हमने क्या किया कि लीडर क्या करता है, वो बकायदा काम को ऑर्गेनाइज कर बताता है अपने फॉलोअर्स को कि उन्होंने जो भी काम उन्हें दिया जा रहा है वो कैसे करना है, स्टेप वन क्या होगा, टू क्या होगा, थ्री क्या होगा, फोर क्या होगा। फिर वो अपना वर्क रिलेशनशिप भी डिटरमाइन करते हैं कि लीडर का अपने वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, वर्कर्स का लीडर्स के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, और ना सिर्फ ऐसे बल्कि वर्कर्स का वर्कर टू वर्कर रिलेशनशिप कैसा होगा। अब देखिए कि वो रिलेशनशिप क्या फॉर्मल होगा, क्या वो रिलेशनशिप सेमी फॉर्मल होगा या वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगा। और याद रखिए ये जो रिलेशनशिप है ये वेरी करेगा लीडर टू लीडर बिहेवियर। कुछ लीडर्स का बिहेवियर होता है जो वो बहुत ज्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, कुछ मिक्स अप्रोच रखते हैं, कुछ टोटली इनफॉर्मल हो जाते हैं। और अल्टीमेटली लीडर जो है वो गोल भी बताता है और गोल कैसे अचीव करना है वो भी वो डिफाइन करता है। ये इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इफ अ लीडर हैज अ हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ही शी वुड बी असाइनिंग ग्रुप मेंबर्स टू पर्टिकुलर टास्क एंड आस्क देम टू कंप्लीट द टास्क विद स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स विद एन डेडलाइन। जिस लीडर का इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो वो अपने वर्कर्स को काम में लगाएगा, उनको बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और पूरा ना सिर्फ बताएगा बल्कि उन्हें यह भी गाइड करेगा कि वो प्रोसेस जो उन्हें करना है उस टास्क को, उस गोल को अचीव करने के लिए, वो भी उनको समझाएगा। मीन जो भी काम उनको वो दे रहा है ना, जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनको दे रहा है, वो खाली सिर्फ उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो उनको समझा भी रहा है कि वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने परफॉर्म कैसे करनी है, और वो उनको मुकम्मल फुल फ्लेज एक पूरा प्रोसीजर बनाकर दे देता है ताकि उसके वर्कर्स को, उसके फॉलोअर्स को अपना दिमाग ना लगाना पड़े, उन्हें बनी बनाई वो चीज मिल जाए। अच्छा जी, इससे क्या होता है, इससे एक तो लीडर को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने फॉलोअर्स के ऊपर, क्योंकि एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर उनके पास है और वो जस्ट उसी को ही वो फोकस कर रहा होता है, उसी को ही वो मॉनिटर कर रहा होता है, और वो ये भी चाहता है कि गिवन टाइम फ्रेम में जो उसके वर्कर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस मुकम्मल करें या अपना टास्क पूरा करें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कंसिडरेशन। इट इज डिस्क्राइब एज द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन इज लाइकली टू हैव जॉब रिलेशनशिप दैट आर कैरेक्टराइज बाय म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लाइज आइडियाज एंड रिगार्ड फॉर देयर फीलिंग्स। भायो स्टडी ने अब हमें एक दूसरा डायमेंशन ऑफ द लीडरशिप बताया, यानी कि एक दूसरी तरह का एक लीडरशिप स्टाइल भी बताते हैं, एक लीडरशिप बिहेवियर बताते हैं। ये अगर हम इस बात को ब्रेक करके समझे तो एक लीडर ऐसा होगा जिसका फोकस जॉब रिलेशन पर है बजाय के वो टास्क फोकस हो, वो काम के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, वो तवज्जो दे रहा है रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। मींस लीडर जो काम से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप के ऊपर बिलीव रखता है, या लीडर टास्क को सेकेंडरी रखता है और रिलेशनशिप को वर्कर्स के साथ प्राइमरी फोकस में रखेगा, और वो चाहता है कि उसका अपने वर्कर्स के साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट रहे और वो एक रिस्पेक्ट गेन करे फ्रॉम एम्प्लाइज, और वो उनके आइडियाज को, उनकी थॉट्स को वो वेलकम करे और उनको इंकरेज करे टू शेयर देयर आइडियाज, और वो उनकी फीलिंग्स का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, वो उनकी पेन्स में, उनकी प्लेजर्स में उनके साथ होता है। इन दिस केस लीडर कंसर्न्स फॉर फॉलोअर्स वेलबींग, स्टेटस एंड सेटिस्फेक्शन। अब क्या है कि लीडर किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है अपने फॉलोअर्स की वेलबींग के ऊपर, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर, उनको ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अरसे तक रिटेन रखने के लिए कि वो अपने एनवायरमेंट से सेटिस्फाई रहे। ही बिलीव्स के काम जो है वो वर्कर्स ने करना है, वर्कर्स का सेटिस्फाई होना सबसे पहले जरूरी है। अगर वर्कर सेटिस्फाइड है तो फिर अल्टीमेटली काम भी ठीक हो सकता है, अगर वर्कर ठीक नहीं है तो काम बेहतर नहीं होगा। Moreover, a leader high on consideration could be described as one who helps employees with personal problems, friendly and approachable. अगर किसी लीडर का consideration level high है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने वर्कर्स के साथ friendly है और वो उनको समझता है,
वो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. मींस ही हैज अ हाई कंसर्न फॉर द पीपल, वो लोगों के बारे में सोचता है. ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ. ओवरऑल ओहायो स्टडीज वाज क्रिटिसाइज्ड एज इट वाज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स ओनली. द लीडरशिप इज वाज कंस्ट्रक्ट एंड स्क्वीजिंग 1000 डायमेंशंस टू टू डस नॉट सीम टू बी प्रैक्टिकली रेलिवेंट. क्रिटिसिज्म ये हुआ कि ओहायो ने ऑलमोस्ट 1000 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इनको टू अप्रोचेस में, टू कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया. एक अप्रोच ये थी जो टास्क फोकस थी कि लीडर सिर्फ और सिर्फ काम पर तवज्जो देता है, और दूसरी थी कंसल्टेशन, यानी कि एक ऐसा लीडर भी होता है जो लोगों पर तवज्जो देता है और उनकी वेलबींग के लिए काम करता है. ऐसा लीडर टास्क को सेकेंडरी फोकस में रखता है और लोगों के साथ रिलेशनशिप को वो प्राइमरी फोकस के ऊपर रखता है. क्रिटिसिज्म भी ये था कि क्या एक लीडर का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, क्या ये दो पैरामीटर्स काफी हैं? क्या जस्ट लीडर अपना टास्क फोकस हो जाए या लीडर जो है वो पीपल ओरिएंटेड हो जाए? क्या यही दो अप्रोचेज हैं? क्या दो के अलावा कोई तीन, चार, पांच, दस और नहीं हो सकती थी? तो दिस वॉज द मेजर क्रिटिसिज्म दैट वॉज डन ओवर द ओहायो स्टडीज. मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. वी रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू सी मोर वीडियोस. विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड.